खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के नेता भी हैं गुलाम नबी आजाद, जो कि प्रभारी भी हैं हरियाणा के, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर छोटे दल बीजेपी के साथ जाएंगे, छोटी पार्टियां बीजेपी को समर्थन देंगी, तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। क्या गुलाम नबी आजाद डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? उनके इस बयान को कैसे देखा जाए, समझते हैं। मेरे सहयोगी प्रशांत ने उनसे बात की है, सुनते हैं गुलाम नबी आजाद को। आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चुनाव और प्रभारी हैं हरियाणा में। सर, क्या वजह मानते हैं जो परफॉर्मेंस आपकी पार्टी का हुआ है? पिछली बार से ज़्यादा सीटें तो आ ही रही हैं और आप लोग ऐसे सरकार बनाने का जो नंबर, उससे पीछे रह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड लाइंस पे रिजल्ट? देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते, ये ट्रेंड ऐसे होते हैं, कभी ऊपर जाता है आदमी, कभी नीचे जाता है। लिहाजा जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या पॉलिसी होगी, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है कि उनकी दूसरे के जेब पे ज़्यादा नज़र रहती है, हालांकि अपने जेब भरे होते हैं उनके, वो फट गए होते हैं, इतने भारी होते हैं, हैं, लेकिन दूसरे की जेब पे ज़रूर नज़र रखते हैं। तो ये जो छोटी पार्टियाँ हैं, इनके जेबों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र होगी, तो इनकी जेब में अगर गएंगे तो अगली दफ़ा कहीं नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अगर कांग्रेस को मिला है या जेजेपी को मिला है या किसी और दूसरी पार्टी चौटाला जी को मिला है या इंडिपेंडेंट को मिला है, तो जो भावनाएं हैं वो बीजेपी के खिलाफ है। आप न्योता दे रहे हैं जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो जेजेपी हैं, जो भी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो आप लोगों ने इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़ा है, उनकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ा है, उनके लीडरों के खिलाफ लड़ा है, तो लोगों ने आपको वोट दिया है। अब आप किसी भी लालच में आके जाएंगे तो लोग क्या माफ़ करेंगे? जेजेपी कह रही है कि उनकी उनके पास चाबी है, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं, तो उनसे आप संपर्क करेंगे, उनसे संपर्क में हैं? चाबी भगवान के पास है, चाबी अभी भगवान ने किसी को दी। एक आखिरी सवाल सर, सोनिया गांधी दोबारा, हालांकि अंतरिम अध्यक्ष हैं, वो प्रेसिडेंट बने, ये पहला चुनाव था उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद, इसे संयोग कहेंगे या आपको लगता है कि उनके आने का असर हुआ? उन्होंने, सोनिया गांधी जी तो हमारी आदरणीय हैं, राहुल गांधी ने भी कंपेन किया हरियाणा में, उन्होंने भी कंपेन किया, अच्छी तरह से कंपेन किया, हम दोनों को बधाई देते हैं। सरकार बनाने की पहल तो करेंगे ना हरियाणा में, देखिए रिजल्ट के बाद। तो आपने सुना कि दो नए अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं गुलाम नबी आजाद, दूसरा नया अध्यक्ष बीजेपी का भी बना जेपी नड्डा के तौर पर।